ओम शांति। ये तो प्रभु वरदान, क्या नहीं कमाल कर सकता। तो आप सभी को भी बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा भले अभी अव्यक्त हो गए लेकिन सुख्यम में अमृत वेले मिलन मनाने के टाइम आप सबको भी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों द्वारा वरदान मिले होंगे और मिलने जरूरी है, क्योंकि विधाता के बच्चे हैं तो वरदान तो देंगे ही। तो हमें भी शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के वरदानों से ये पाठ मिला है वो बजा रहे हैं, लेकिन कमाल किसकी? बाबा की। सभी कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस आज की जो विषय है ना, अशरीरी बनने की, तो अगर बाबा हमारे मन में सदा याद रहे, दिल में समाया हुआ रहे, तो हम भी बाबा की याद में बाबा के समान बन जाएंगे ना। बस बाबा की याद भूले नहीं, क्योंकि हमारा कहना है कि बाबा और हम कंबाइंड है। कंबाइंड हो ना, है हाथ उठाओ जो हमें समझते हैं बाबा कंबाइंड है। कंबाइंड शब्द के ऊपर अटेंशन देना, तो कंबाइंड कभी अलग हो सकता है? साथ कोई होता है तो अलग हो सकता है, लेकिन कंबाइंड तो अलग नहीं हो सकता। यहां भी अगर कंबाइंड होते तो ऑपरेशन से अलग होते, ऐसे नहीं होते। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हमारे कंबाइंड है, तो अलग कैसे हो सकता है? और बाबा याद है तो ऑटोमेटिकली हमें बाबा समान अशरीरी बनने की भी स्मृति होती है। और जितना बाबा से जिगरी दिल का प्यार होगा ना, तो बाबा नहीं भूलेगा। और बाबा से हम आत्मा का नाता है, हम बाबा किस नाते से कहते हैं? ब्रह्मा भी बाबा है, शिव बाबा भी बाबा है। आत्मा के नाते से हम बाबा कहते हैं। तो जब बाबा की याद होंगी तो आत्मक स्वरूप की भी स्मृति जरूर होगी, और जब आत्मक स्वरूप की स्मृति है तो अशरीरी स्थिति की भी अनुभूति जरूरी है। तो आप हर एक चेक करते हैं कि सारे दिन में हम जब अशरीरी बनने चाहें तब बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते ही है। तो आप आत्मा के ये मन बुद्धि संस्कार, ये भी मेरे कहा जाता है, मेरे संस्कार ऐसे है, मेरा मन कहा जाता है। तो जब मेरा कहते हैं इन तीनों को, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही सूक्ष्म है लेकिन है मेरे, मैं इसका मालिक हूं। तो सारे दिन में बीच बीच में चेक करना चाहिए कि सचमुच मैं
मालिक होके इन मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली हूं, इस स्थिति में स्थित रहती हूं। कई भाई बहन कहते हैं याद में बैठते हैं तब तो अशरीरी बीच बीच में बन जाते हैं, लेकिन काम काज करते हुए तो शरीर का आधार लेना होता है ना, तो शरीर के बाहर में आना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा है हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, दूसरे लोग कर्म करता होते हैं, लेकिन हम जो है वो कर्म योगी। कर्म और योग हमारा साथ साथ है, और कर्म योगी माना आत्मा करावन हो करके, करावन हार हो करके कर्म से, कर्म इंद्रियों से करा रहे। तो अगर हम ये मालिकपन का स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूं और बाप परमात्मा पिता है, तो मालिक हो के अगर कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे में कंट्रोलिंग पावर होती। मालिक माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो मैं आत्मा हूं लेकिन कराने वाली हूं, सिर्फ कर्म करता नहीं हूं लेकिन मालिक बन के कराने वाली। इस स्मृति की अगर होंगी आदत, अभी तो हमारी आदत पड़ गई है ना, मैं कौन, तो फौरन आता है आत्मा। अब बाबा ने बहुत अच्छा नशे से एक बात बाबा कहता है, तो मैं एक ही बाप हूं जिसको बहुत नशा है, रूहानी नशा। कोई भी ऐसा सतयुग से लेकर के कलयुग तक ऐसा बाप कोई भी नहीं होगा जो कहे मेरे एक एक बच्चा राजा है, होगा कोई ऐसा? और बाबा यही नई बात हमें बच्चों को सुनाता है, तो मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। किसका राजा? इन कर्म इंद्रियों के राजा, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। और राजा की विशेषता क्या होती है? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जैसे ऑर्डर से चलावे। तो अगर हमारा ये राजा, स्वराज का राजा हूं, ये स्मृति में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये देह हम अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। शरीर की माना शरीर भूल जावे नहीं है, लेकिन शरीर का मालिक होके और शरीर से कर्म कराए। इसके लिए सहज साधन क्या है? आजकल बहुत करके बाबा ने भी रिपोर्ट सुनाई थी मेजॉरिटी की, तो जो तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन रखते हैं, तो आजकल बुरे संकल्प कम चलेंगे लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। काम की जरूरत भी नहीं होगी सोचने की, लेकिन वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो जो वेस्ट थॉट्स हमारे चलते हैं वो ही हमारे को शरीर भान में ले आता है। अब वेस्ट थॉट्स के पांच शब्द है जो निमित्त बनते हैं वेस्ट थॉट्स चलाने के।
वो पांच शब्द कौन से है? एक पहला है क्यों। कोई भी बात देखी सुनी फौरन चलता है ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कौन कहता है, कब तक करेंगे, कहेगा। ये पांच शब्द जो है वो वेस्ट थॉट्स चलाते, और वेस्ट थॉट्स जब हमारे चलते हैं तो आपने नोट किया होगा, शुभ थॉट्स माना शुभ संकल्प जो होते हैं वो बहुत आराम से चलते हैं, लेकिन वेस्ट व्यर्थ वो बहुत फास्ट चलते हैं। और फास्ट चलने के कारण उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। तो वेस्ट थॉट्स नहीं चले, माया बहुत करके वे छोटी सी बात होंगी ना तो क्यों, जरूर क्यों ये करता है, ये करना नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं करना है, और की बातों को भी सोचने लगेंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि जैसे सुबह को उठ करके हरेक का नियम होता है कि अपने कर्म का शरीर द्वारा जो काम करना है उसका हमेशा पोता मेल बनाता है। सुबह को उठ करके हमेशा अपना ये चार्ट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, टाइम प्रमाण अपना प्लान बनाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है कि मन जो वेस्ट थॉट्स से हमको बॉडी कॉन्शियस में ले आता है तो मन का टाइम टेबल भी बनाओ, और टाइम टेबल के लिए बाबा ने अभी अभी मुरली में जो है वो सारा दिन में टाइम क्या निकाल सकते हो, क्या करो, उसकी ड्रिल सुनाई थी। याद है बाबा की लास्ट ड्रिल है? याद है? अच्छा, तो बाबा ने मन का टाइम टेबल भी बना के दिया है जिससे वेस्ट थॉट्स नहीं चले, और वेस्ट के कारण बॉडी कॉन्शियसनेस का अभ्यास जल्दी हो जाता है। इसीलिए बाबा ने ड्रिल सुनाई थी और टाइम बताया था, तो सारे दिन में 12 बारी आपको चांस मिलता है अपने आप को चेक करने का। अमृत वेले चेक किया, और फिर मुरली के समय भी अच्छी अवस्था रहती है क्योंकि बाबा के मुरली का प्रभाव होता है। फिर काम काज में जाते हैं ना तो कर्म करता बन जाते हैं, लेकिन कर्म योगी बन के कर्म नहीं करते, ये फर्क हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है 12 वारी सभी को टाइम मिलता है अपने आप को चेक करके चेंज करने का, लगातार चेक करते चेंज करते रहेंगे तो आप, जैसे ये शरीर का भान कितना पक्का हो गया है, किसने कराया नहीं, सिर्फ सुना मेरा नाम ये है, और इतना याद रहता है जो मेरा नाम कोई दूसरे को भी होगा ना उसको मानो मैं बुला रही हूँ, आपको नहीं बुला रही हूँ, आपके नाम वाले को बुला रही हूँ, तो भी आप दूर भी खड़े होंगे ना, नाम सुनेंगे ना, आपका कांध ऐसा ऐसा होगा मेरे को कोई बुला रहा है। ये इतना नेचुरल याद हो गया बॉडी कॉन्शियसनेस। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर आपका सारे दिन में लिंक जुटा रहेगा ना चेक और चेंज दोनों का, तो फिर आपका भी लगातार वो नेचर बन जाएगी।
कोई भी बात बार बार की जाती है ना, तो कहते भी है बार बार हाथ से कोई काम निकला हुआ होता है तो कहते ये क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे हाथ से निकला हुआ है। ऐसे ही अगर हम 12 बारी चेक करें और चेंज करें, सिर्फ चेक नहीं करना, क्योंकि 12 बारी सारे दिन में चेक करो और देखो मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मेरे को तो बाबा याद आता ही नहीं है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे कि मेरा शायद पार्टी नहीं है, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, मन मानता ही नहीं है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे सिर्फ चेकिंग से। लेकिन चेक और चेंज, चेंज कैसे होंगी, जब बाबा द्वारा जो शक्ति मिलती है ना, बाबा ने सबको एक जैसी शक्तियां दी है, कोई को 2 दी हो, किसको 8 दी हो, नहीं, सबको एक जैसी एक जितनी दी है। तो बाबा की शक्तियां अगर दी हुई हमको याद आएंगी तो उस शक्तियों के आधार से हम अपने को चेंज कर सके, और शक्तियों को भी बार बार चेक करना चाहिए। पहले जो शक्तियां है सभी, बाबा ने एक बारी कहा था चलो ज्यादा शक्तियां याद नहीं भी आवे, तो हमारा चित्र 8 शक्तियों का है, वो तो चित्र तो समझाते भी है, देखते भी है, रोज आंखें तो जाती है चित्रों पर, तो 8 शक्तियां जो विशेष है ना उसको चेक करो मेरे में है। अगर नहीं है, मानो मेरे में और तो सब शक्तियां है लेकिन सहन शक्ति थोड़ी कम है मानो, तो माया जो आएंगी ना वो सहन शक्ति के रूप में ही आपके पास आएंगी। क्यों? कि माया भी जानती है कि इसका कौन सा दरवाजा खुला हुआ होगा या किस दरवाजे से मैं इनके ऊपर वार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जैसे डाकू लोग होते हैं ना, तो दरवाजा पहले ही चेक कर लेते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो माया को भी पता है कि हमारे में कौन सी शक्ति कम है। जैसे कई भाई बहन कहते हैं तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, चलो क्रोध एक तो बाहर मुख से करते हैं लेकिन मन में भी रोब, जो क्रोध का बाल बच्चा है लेकिन बच्चे और ही तेज होते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे और चेंज करेंगे, चेंज शक्तियों द्वारा करेंगे, तो क्या होगा, चेक और चेंज करने से आपकी बार बार वृत्ति में यही आएगा कि मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। बाबा ने ये 12 बारी कैसे सुनाया, बाबा ने कहा 5 बारी खाना खाते हो, खाते हैं ना सभी, कांधे लाओ, खाते हो, और उस समय कोई नहीं आपको रोक सकता है, खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, 7-8 बारी पानी पीते हो, अच्छा उसके लिए तो कोई मना नहीं करेगा, डिक्टेटर हो तो भी मना नहीं करेगा। तो पानी पीते हुए और खाना, पहले तो गिट्टी बाबा को खिलाते हैं, ये तो करते ही होंगे, लेकिन पीछे कहां कहां चले जाते हैं। तो उस समय में थोड़ा टाइम निकाल के चेक करो कि मैं बॉडी कॉन्शियस तो नहीं हो गया हूं, और चेंज करो, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मैं मन के वश नहीं हूं, मन वश जगत जीत वाला बच्चा बाबा का हूं।
तो इतना टाइम अगर आप बीच बीच में चेक करेंगे, क्योंकि पानी एक ही टाइम में 8 गिलास तो पियेंगे ही नहीं, अलग अलग टाइम में पीते हैं, तो कितना टाइम है हमको चेक और चेंज करने का? है कोई है जिसको ये भी टाइम नहीं मिलता हो? वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, क्यों? पानी के बिना तो रह नहीं सकते ना, खाने के बिना भी रह नहीं सकते। तो क्या है, बहुत समय बॉडी कॉन्शियस का बीत जाता है, हम चेक भी नहीं करते हैं, कर रहे हैं, नेचुरल चल रहे हैं। तो बहुत काल का अभ्यास जो होता है ना, वो मदद देता है। बाबा मिसाल देता है ना, अभी देखो 63 जन्म हम विस्मृत रहे, अभी संगम पर भगवान मिला है। हम फलक से कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम बीके हैं, भगवान मिला है और हम योग में बैठते हैं। मानो 1 घंटा आप योग में बैठते हो, प्रोग्राम परमान हम कहेंगे आज हमारा 1 घंटे का योग है, और बैठते हैं सभी, क्योंकि रुचि तो है ना, हमको बनना है, नंबर लेना है, बैठते हैं। नहीं चाहते हैं व्यर्थ संकल्प चले, नहीं चाहते हैं और कोई काम काज याद आवे, लेकिन अभी भी बीच बीच में याद के बजाय कोई ऐसे उल्टे संकल्प आ गए तो युद्ध करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटा आप बैठे योग में, लेकिन बीच बीच में युद्ध कितनी करनी पड़ी? आया कोई संकल्प जो काम का नहीं है? एक बारी बाबा से कोई बच्चे ने पूछा, बाबा मैं योग में अमृत वेले बैठता हूं या कोई भी टाइम बैठता हूं ना, तो मेरे को सर्विस के संकल्प चलते हैं, सर्विस के प्लान चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, वैसे भी हमको याद है कि जब छोट पढ़ाई सभी ने पढ़ी होंगी, तो पहले पहले पढ़ाई में, बाहर की पढ़ाई कहती हूं, उसमें ये पहला पाठ पढ़ाते हैं कि जिस समय जो काम करो वो ही सोचो, पढ़ने के समय और कुछ नहीं सोचो, और खेल समझो कर रहे हो तो खेल ही करो, उस समय फिर पढ़ाई याद करते खेल में फेल हो जाओ, ये रॉन्ग है। जिस समय जिस कार्य के लिए बैठे हैं वो ही कार्य होना चाहिए। तो अभी बहुत काल के संस्कार, 63 जन्म के संस्कार है ना मिक्स होने के, तो अभी तक भी बीच बीच में वो अनुभव करा देता है ना। तो बहुत काल के संस्कार बांधा डालते योग, निरंतर योग में, और जब तक निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे कुछ समय, तब तक आप जिस समय चाहे 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए वो नहीं हो सकेंगे। संकल्प चलाने की आदत होगी ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो आप अशरीरी बनने की कोशिश करेंगे, वो संकल्प की आदत आपको संकल्प में ले आएंगे। इसीलिए बाबा ने समय के प्रमाण ये डायरेक्शन बार बार बाबा दे रहा है कि जो कार्य के लिए सोचते हो, जिस कार्य के लिए जितना समय फिक्स करते हो, उतना समय पूरा ही उस कार्य को पूरा करो, एक्यूरेट। मानो हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनते सुनते बाबा ने कहा
ऐसे डायरेक्शन दे रहा है, ये सर्विस करो वो सर्विस करो, तो सर्विस के ही संकल्प चल जाए। हाँ मैं मंदिर में गया हूँ, परिचय दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब तो मूली तो मिस हो जाएंगी ना। तो मूली के टाइम सुनो जरूर, डायरेक्शन बुद्धि में रखो जरूर, लेकिन जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय फुल वो ही अटेंशन, तब हम प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे, जिस समय जो काम है उसी में ही बुद्धि हो। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं, सिर्फ कर्म में बुद्धि हो, कर्म योगी डबल हो। कई भाई बहन कहते हैं तो कर्म करते करते हमको बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती, लेकिन हम कर्म योगी है तो बाबा ने कहा है योग और कर्म दोनों का बैलेंस रखो। और कहीं कहते हैं अटेंशन चला जाता है ना कर्म में, तो यो हमारे कर्म थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। लेकिन आप सोचो अभी यहां आप बैठे हो, यहां तो मधुबन का वायुमंडल है, भाई बहनों के योग का वाइब्रेशन है, यहां समझो आप बैठे हो, अभी क्लास में बैठे हो, समझो मिसला मैं दे रही हूं, और यहां बैठे बैठे क्लास चल रहा है, बाबा का घर है, वायुमंडल है, लेकिन इसी कोच पर सिटी पर बैठे हुए आपको कोई घर की ऐसी उल्टी सुलटी बातें याद आ जाती है, मानो मानो तो यहां बैठे हुए क्लास में आपकी स्थिति कैसी हो जाएंगी, यहां बैठे हुए इतने संगठन में बैठे हो, लेकिन आपकी स्थिति अगर कोई खराब बात याद आ गई तो दुख की हो जाएगी, या सुख के संसार में बैठे हुए भी दुख की स्थिति हो जाएगी। अगर हम काम करते हुए परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा द्वारा हमको क्या मिलेंगे, शक्ति मिलेंगी ना, और उस परमात्म शक्ति के आधार से आत्मा का याद तो आएंगी। तो आप सोचो हमारा काम अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा ना। तो ये बहाना करते हैं कहीं, तो काम काज करते दिमाग चलाते हैं ना तो याद भूल जाती है, लेकिन परमात्म याद से और अपने को राजा समझ करके कर्म इंद्रियों से काम कराने में और ही आपका काम सुहाला हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। आप सोचो साधारण रीति से सोचो, घर में कोई आपके खुशी का फंक्शन हो रहा है और आप बड़े खुशी में, और अचानक आपको बुखार आ गया है और कोई आपको आके कहे भाई बुखार है ना, अभी सो जाओ ना, आप बुखार है, तो आप क्या जवाब देंगे, अरे आज इतने खुशी के मौके में मैं सो जाऊं, मुझे बुखार है ही नहीं। क्यों, आपका मन खुशी के तरफ चला गया। तो बाबा के याद से तो खुशी मिलेंगी, शक्ति मिलेंगी, तो काम एक काम 10 गुना हो जाएगा और नुकसान हो ही नहीं सकता जब हमारी याद कर्म योगी की है स्टेज। तो ये भी एक बहाना हो जाता है, काम करते बहुत मन में संकल्प, कोई हिसाब चल रहा था, कोई ऐसा सोच रहा था ना, इसीलिए उस समय याद थोड़ी कम हो गई। और ये बढ़ना चाहिए काम, और नुकसान वाले में भी फायदा होना चाहिए क्योंकि बाबा की शक्ति मिलती।
तो पहले अशरीरी बनने के लिए, अशरीरी का मतलब ये नहीं है कि शरीर भूल ही जाए। कई योग में बैठते हैं ना तो मक्खी भी बैठती है ना, कहते हैं मक्खी आई ना इसलिए मेरा योग टूट गया। कोई भी चीज शरीर की या बाहर की कोई भी हद की चीज, विनाशी चीज, वो हमारे मन को अपने तरफ खींचे नहीं। अच्छा मक्खी आई, मानो मक्खी आई, मुझे पता ही नहीं पड़े मक्खी आई या क्या हुआ, ऐसा योग तो हमारा है नहीं। आई मक्खी या कोई भी बात आई, लेकिन मरे हमारे मन को बुद्धि को अपने तरफ खींचे नहीं। मन हमारा मन मना भाव, बाकी अच्छा मक्खी आई मैंने हटाया, हमारा मन क्यों हटे? लेकिन मन अगर उस आकर्षण में आ जाता है बातों के, तो कहते हैं कि कर्म योग नहीं है, अशरीरी बनो। अशरीरी माने शरीर भूल ही जावे, इसका मतलब ये नहीं है। शरीर भान अपने तरफ खींचे नहीं। मानो व्यर्थ संकल्प आता है तो बाबा से मन निकल करके व्यर्थ संकल्प में अटक जाए, ये रंग। काम करते हुए भी मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, इस खुशी के अनुभव में रहे। कौन है और कौन मिला है, क्या दिया है। कईयों को व्यर्थ संकल्प आते हैं ना तो कहते हैं बाबा याद ही नहीं आता ना, ज्योति बिंदु, वो बिंदु सूक्ष्म है ना, वो बुद्धि में आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमको बाबा कौन मिला है, क्या मिला है और खजाने कितने दिए हैं, क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई और उससे मेरे को लाभ क्या मिला है। अगर व्यर्थ संकल्प आपको चलते ही आते हैं, कितना भी सोचती हो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, फिर भी शरीर बन में आ जाते हैं, तो क्या मिला और क्या बाबा ने बना दिया मुझे। दो शब्द के डिटेल में जाओ, क्या मिला तो कितने खजाने हैं, और क्या बनाया, बाबा के हर मुरली में कोई न कोई सोमान आता है, देखा होगा ना सोमान। कभी बाबा कहते हैं नूरे जहानो, कभी कहते हैं मेरे दिल के ताज, दिल की तख्त निवासी हो, कभी विश्व परिवर्तक हो, कभी जगत नैनों के तारे हो, कभी कहते हैं सारे जगत के कल्याणकारी हो, कितने सोमान देता है बाबा। तो क्या बाबा ने दिया और क्या बनाया। अगर मानो आपका मैं आत्मा हूं इसमें नहीं टिकता है, वही पुरुषार्थ करते करते टाइम टल जाता है, तो कोई ना कोई बात मनन करो, क्योंकि उसमें विक्रम तो नहीं बनेंगे ना, बसम नहीं होंगे लेकिन बनेंगे तो नहीं। तो अशरीरी अवस्था के अनुभव करने के लिए पहले ये सब चेकिंग करो, और जानबूझ करके कोशिश ये करो, क्योंकि अभी समय तो नाजुक आ ही रहा है, अचानक बाबा ने चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, आप लोगों को तो याद होंगे कितने वर्ष हो गए, तब से बाबा ने अचानक और एवर रेडी शब्द बार बार रिपीट किए, और
उन दिनों में कोई अचानक की बातें इतनी नहीं देखी, लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं? अचानक की बातें देख रहे हैं ना। इसीलिए अपने मन का टाइम टेबल जरूर बनाओ, और ये 12 वारी का टाइम टेबल तो जरूर मिस नहीं करो। चेक करो और चेंज। सिर्फ चेक नहीं करना, ये गलती नहीं करना। क्यों? बाबा की मुरली की पॉइंट, और सबसे सहज है, अगर समझो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वो तो चलते बहुत, कितना भी कंट्रोल करो ना, फिर भी थोड़ा यहां वहां जाएंगे, फिर चलने शुरू हो जाएंगे। बात हो गई ना कोई, वही याद आती रहेगी। उसके लिए बाबा कहता है, वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ताकत कौन सी चाहिए? उसके लिए, क्योंकि मन जो है ना, वो संकल्प उनका भोजन है। मन संकल्प के बिना नहीं चल सकता। जैसे चंचल बच्चा होता है ना कोई, उसको कितना भी रस्सी का डर दो, रस्सी बांध दोगे, ये करूंगी, माताएं करती है, लेकिन चंचल बच्चा जो होता है ना, वो फिर भी चंचलता नहीं छोड़ता। ऐसे मन में आदत पड़ गई ना व्यर्थ की, तो वो चंचल बन जाता है। आदत पड़ गई ना। उसके लिए बाबा कहते हैं, मुरली रोज सुनो, क्योंकि मन में जब व्यर्थ संकल्प चलता है, तो व्यर्थ को जब तक कोई समर्थ संकल्प नहीं दिया है ना, जगह नहीं बढ़ी है, तो मन कभी भी अचल नहीं होगा। इसके लिए बाबा कहता है, मुरली है शुभ संकल्प। अगर व्यर्थ चलता है तो कम से कम, कहीं कहते 3 पेज की मुरली कहां याद आएंगी, 3 पेज की नहीं याद आएंगी, वो ठीक है। इसके लिए बाबा ने कि बच्चों को दिमाग नहीं चलाना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए बाबा वरदान रोज आता है मुरली में। और वरदान की 4-5 लाइन होती है। अगर समझो किसको वरदान भी भूल जाता है, दिमाग है ना हर एक का, तो स्लोगन कितना, आधा लाइन होता है, आधा लाइन तो याद कर सकते। तो जिस समय व्यर्थ संकल्प चलते है ना, उस समय ये शुभ संकल्प जो वरदान है, स्लोगन है, या मुरली सुनते हैं, सारी मुरली याद नहीं रहती है, लेकिन 2-4 पॉइंट जो विशेष होती है ना, दिल को लगती है। मानो हर एक को अपनी अपनी बात याद ज्यादा दिल में लगती है, तो वो मुरली सुनते हुए लास्ट में वो 3-4 बातें अपने मन से रिपीट कर लो। आज बाबा की ये पॉइंट जो थी वो बहुत अच्छी थी, लास्ट में रिपीट करो अपने में। कोई भी बात भूलती है ना, तो रिपीट करने से फिर याद रहती है। इसी रीति से आप व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थ बाबा की मीठी मीठी पॉइंट जरूर याद करो। ये विद्या अपनाओ तभी अशरीरी बन सके। ऐसे ही कहो, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो ये तो जैसे भक्ति में मंत्र जपते हैं और कहां कहां चले जाते हैं। मनन करो। अभी रिकॉर्ड बजता है, अभी सभी अभ्यास करो।
कि ये 3 मिनट जो रिकॉर्ड बजता है इसमें मैं बिल्कुल अशरीरी आत्मा राजा बन करके बैठूं, तो मन मेरे कंट्रोल में रहे, सभी एक ही संकल्प में बैठो। तो अभी मधुबन के वायुमंडल में जो सोचा वो अनुभव हुआ कि और कहाँ घूमने गई, बैठी यहां थी लेकिन कहाँ चक्कर लगा के आए, लगा के आए। कोई का अभ्यास नहीं होगा तो चक्कर लगाया होगा, और कोई ने अभ्यास किया हुआ है तो कंट्रोलिंग पावर होंगी। लेकिन ये बीच बीच में अभ्यास करो, जिस समय बहुत बिजी हो ना, होता है ना कभी बहुत दिमाग का काम होता है ना, तो भी 1 मिनट निकाल के ये अभ्यास करो। अभी मैं अच्छा बाबा के याद में अशरीरी का अनुभव करने चाहता हूं तो होता है, क्योंकि लास्ट घड़ी हमारे को पास विथ आनर का सर्टिफिकेट मिलना है। अभी तो कभी कैसे चल रहे है, कभी कैसे चल रहे है, बाबा जाने और हम जाने। लेकिन लास्ट घड़ी जो आनी है, जैसे अभी भी देखो बॉम्बे में कोई बचा सकते थे अपने को वायुमंडल से, तो ये तो चारों ओर होगा, ये तो एक सिर्फ होटल का वातावरण हुआ। कुछ भी अचानक, बाबा कहते हैं चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहेगा, अंत में अति में जाना है। तो ऐसे टाइम पर आपको 1 सेकंड अशरीरी बनने में लगे, कोई भी बात में देखो यहां आदत होती है ना, कोई समझो यहां से आया तो बहुत करके आप देखेंगे सबका कांध ऐसे जाएगा, पता नहीं उसको ही बिठाना है। तो ये आदत पड़ी हुई है, कोई भी बात होगी ना ऐसे जरूर जाएंगे, या कान जाएगा या सिर जाएगा, तो वो नहीं आदत होनी चाहिए। और 1 सेकंड कितने में बीतता है, और हमारा चार ही तरफ में से किसी तरफ अटेंशन चला गया तो पास विताना तो गया ना, फिर वो थोड़ी सेकंड आएगा। इसीलिए राजा बन के मालिक बन करके शरीर को चलाओ, मन को चलाओ। राजा माना कंट्रोलिंग पावर। अभी मैं सोचती हूं अच्छा 1 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल ही बाबा के याद में खो जाऊं, लो लीन हो जाऊं, तो सेकंड में हो सकेंगी, नहीं तो सेकंड बीत जाएगा, पास भी था नर का सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, फिर क्या करेंगे। कोशिश इतने वर्षों से जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पास भी था नर का ना, कि 33 मार्क पास हो जाएगा ठीक है, नहीं ना, हर एक चाहता है मैं पास भी था नर हूं, माला में आऊं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई का 108 की माला गाई हुई है ना, अगर आप पास वितानर होंगे और 108 से ज्यादा भी हो गए तो मैं माला में वो लगाते है ना बीच में, क्या क्या कहते हैं उसको पता नहीं, ऐसे नहीं लड़ाई लगाते हैं, चार चार छह तीन लड़ाई ऐसे लगा देते हैं एक ही माला में। तो बाबा ने कहा मैं ये भी करूंगा लेकिन आप पास होके दिखाओ। तो आप सभी क्या होंगे, है नामी पंजाब शेरे है, तो शेर क्या करता है विजयी,
तो बनना है ना पास विथानर बनना है या जो भी मार्स मिली चलो सतयुग में तो आ ही जाएंगे, वह दुख तो होगा ही नहीं। ठीक है दुख नहीं होगा, सुख तो मिलेगा, खाना पीना सब जो भी है वो तो फ्री मिलेगा ही, ये नहीं सस्ता, ऐसा नहीं हो। एम एम हमारी ये हो कि पाश्वित आनर होना है, माला का मन का बनना ही। ठीक है ना पंजाब, पंजाब का आज टर्न है तो क्या बनेंगे पंजाब, विजयी ना, और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, क्यों नहीं हमें प्राप्त होगा, होगा। बाबा भी बंदा हुआ है हमको पाश्वित आनर का सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इतना निश्चय बुद्धि और नशे में रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य होंगे। बाबा बहुत फलक से कहता है, बच्चे आपने ही राजा बनेंगे या स्वर्ग के बादशाही में आएंगे, और कौन आएगा। हमको भी नशा होना चाहिए, मैं ही था जो कल्प बीत गया उसमें कौन विजयी बना था, मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही हर कल्प में बनूंगा, ये नशा होना चाहिए ना। और कौन बनेगा, हम ही तो बनेंगे। तो इस नशे और निश्चय से हमारा संकल्प पूरा नहीं बाबा करे ये हो ही नहीं सकता। अहंकार से नहीं, रूहानी नशे से अगर हम इस निश्चय में चलते हैं तो भगवान को भी हमारे को आगे रखना ही पड़ेगा। इतना निश्चय, रूहानी निश्चय, रूहानी नशा होना चाहिए। अब मान नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रूहानी नशा। और हम एक बात सबको कहते हैं हर ग्रुप में, खुशी अपनी कभी चेहरे से गमाना नहीं, क्योंकि आप हम कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार है, तो दिल की बात तो हमारी कोई समझते नहीं है, लेकिन हमारा चेहरे से वो समझ लेते हैं इन्हों को कुछ मिला है, खुश रहता है कोई। मानो आप पहचानते नहीं हो, मैं आपको सभी को पहचानती थोड़ी हूं, लेकिन चेहरे से समझ में आता है ना ये ठीक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ऐसे ही हाँ हाँ कर रहा है या सच्चे दिल से कर रहा है, पता तो पड़ता है ना शिकल से। तो बाबा भी चाहता है कि आपकी शिकल सदा मुस्कुराए चेहरे पर रहे, मुस्कुरा के दिल की मुस्कुराहट चेहरे पर आती जरूर है। अभी देखो कल्चर प्रोग्राम चलता है और आपको बड़ा पसंद आ रहा है, आपका चेहरा बदलता है या नहीं, बदलता है ना। तो बाबा आजकल कहता है कि जैसा समय नाजुक आएगा ना तो सुनने का भी फुर्सत नहीं होगी, आपको सुनाने की भी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन आपका चलन और चेहरा सेवा करेगा। तो हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, चिंता में ऐसे बदले ऐसे कर, ये नहीं, ब्रह्मा कुमार बना सदा मुस्कुराता रहे। खुशी हमारे जीवन की मिल्कियत है, खजाना है, उस खजाने को कभी भी छूटना नहीं चाहिए। बाबा हमको छोटेपन में कहता था तो तुम्हारा चेहरा होना चाहिए रूहानी खिला हुआ गुलाब, तो
तो खुशी नहीं गमाओ। ये क्यों क्या, ये जो पांच शब्द हमने सुनाए ना, ये खुशी के जाने के दरवाजे। और जाती कैसे है खुशी, कभी चेक किया है मेरी खुशी जाती कैसे है? कोई आता है, देखो समझदार कितने हैं हम वो देखो। कोई आता है गिलानी करता है, गालियां देता है, झूठ बोलता है। उसने बोला, आया और बोला और आपकी खुशी ले जाता है? कितनी समझदार हो आप। वो बाहर से आया और वो जाके खेलेगा, खाएगा, सोएगा और आप, आपको क्या देखे जाता है? परेशानी, न सोना अच्छा लगेगा न खाना अच्छा लगेगा। तो आपने अपनी खुशी भी दी, समझ का काम, देखो कितने बुद्धिमान हो। एक अपनी खुशी दे दी, दूसरा परेशानी ले ली। अपने आप ही करते हैं ना। और परेशान क्यों होते रहते हो? वही बात याद, बीत चुकी, वो चला गया, वो नाच रहा है और हम बीती हुई बात को याद करके ये कौन था कब तक करेगा। हम छोटे थे ना तो मम्मा हमको कहती थी, ये जो पांच शब्द है ना, क्यों क्या कौन कब कैसे, पांच ही शब्दों में कह कह है। क्यों क्या कौन कब कैसे, पांच ही में कह कह है। कह कह कौन करता है, कौन करता है? अच्छा नहीं, नाम नहीं लेंगे ना। तो मम्मा कहती थी तुम क्या बन गए, सोचो तो सही। एक तो हमने परेशानी ले ली और बन क्या गए। तो मम्मा हमको कहती थी कि सफेद में सफेद के कौन होता है, हंस। हंस जो है उसमें निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती। तो मम्मा कहती थी कभी भी ऐसी बात आवे ना तो दोनों ही सामने रखो, हंस भी वो भी, और फिर सोचो मैं कौन। तो ऑटोमेटिकली दोनों सामने आने से हमको आएगा ना, तो मुझे तो हंस बनना है। और बाबा तो कहता है वो तो हंस है, तुम तो होली हंस हो। इसीलिए कल से अपना चेहरा चेक करना, कभी भी चेहरे पर परेशानी, बीती हुई बातें याद करना ये नहीं आवे। हमेशा हमारा चेहरा जो है ना सेवा करावे। कोई भी बहुत खुश होता है तो कहते पता नहीं इसको मिला क्या है, बड़ा खुश रहता है। तो हमारा चेहरा भी ऐसे दिखाए तो इन्हों को सचमुच भगवान मिला है, प्राप्तियां हुई है। प्राप्ति वाले की शिकल क्या होती है? तो ये बात हमारी याद करना, कल से शिकल नहीं बदली करना, चिंता वाली, चिंतन वाली। हम खुश है, बाबा ने स्लोगन बताया था, खुश रहो और खुशी बांटो। एक ही खुशी है, खुशी शब्द जो है एक में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। देखो दुनिया में कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो खुराक क्या हुआ, हेल्थ। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, वेल्थ। और हैप्पी तो है, खुशी तो है।
तो खुशी गमाना, माना हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों गमाना। अब भगवान के बच्चे है भाई, कोई साधारण के बच्चे नहीं है। तो माताएं खुशी गमाएंगी, माताएं हाथ उठाओ जो कल से नहीं खुशी गमाएंगी। कभी भी हम अचानक आपका फोटो निकाले तो मुस्कुराता हुआ हो, ठीक है? बाबा कभी कभी करता है ऐसे, वहां टीवी बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं मैं खोलता हूं देख लेता हूं किसका चेहरा कैसा, किसका चेहरा कैसा, किसका चेहरा कैसा। तो वो नहीं करना, बाबा भी देखे तो देखे वाह मेरे बच्चे वाह। तो खुशी नहीं गमाना और खुशी बांटो, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। तो ठीक है हा? एक तो अशरीरी बनने का, मन को बिजी रखने का ख्याल रखना, तो अशरीरी बन ही जाएंगे, क्योंकि मन ही तो धोखा देता है ना। और दूसरा कभी शिकल नीचे ऊपर नहीं। चलो कुछ भी हो जाए, मैं चिंता करने से होता है कुछ, और ही सोचने से क्या करूं, वो सोचने से कुछ बन जाएगा। बाकी सोचेंगे बेटी के जो बीत चुका उसे क्या बनेगा, चिंता मिलेंगी बस, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यहां से मधुबन से अपने से संकल्प दृढ़ करके जाओ, मुझे सदा रूहे गुलाब का चेहरा रखना है। ठीक है, करेंगे भाई? हाँ करेंगे ना। चेहरा नहीं बदलना है। देखो बाबा आता है, मम्मा और बाबा के चित्रों में देखो मुस्कुराते, दादी हमारी देखो मुस्कुराती रहती है ना, तभी तो प्यारी लगी सभी को। तो आप भी खुशी नहीं गमाना, खुश रहो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। एक मिनट एकदम और कोई विचार नहीं, बाबा और उसमें लव में लीन, एक मिनट।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। एक हाथ की ताली बजाकर हम अपने दिल का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी, इतनी देर हमारे नैनों ने आपका दर्शन किया और ज्ञान अमृत का पान किया।